पेट डॉग्स चोर। कुछ समय पहले एक गांव में सरदार और सुषमा नाम के दंपत्ति रहते थे। सरदार सुषमा को एक बड़ी नौकरी करने का नाटक करते हुए विश्वास दिलाता रहता था। हर दिन वह ऑफिस का बहाना करके घर से निकलता था, फिर कर्जा लेकर घर चलाते रहता था। एक दिन सुषमा अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, आप हर दिन ड्यूटी पर चले जाते हो, लेकिन अकेले ही घर में रहते हुए मुझे बहुत बोर हो रहा है। बचपन से मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, आप मेरे लिए एक खूबसूरत सा कुत्ता ला दो ना। माय डियर सुषमा, तुम्हें खुश करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आज तुम्हारे लिए एक खूबसूरत कुत्ते को खरीद कर लाऊंगा। अरे अरे, आपके ऑफिस का टाइम निकलता जा रहा है, अभी आप जाइए। ठीक है डार्लिंग, अब मैं चलता हूँ। इस तरह सरदार घर से निकलकर कुछ दूर जाने के बाद एक जगह रुककर सोचता है, बाप रे, अभी मैं कुत्ते को कहाँ से लेके आऊँ? हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है, और तो और बहुत सारे कर्ज भी ले लिए, क्या करूँ, फिर से कर्जा लेना ही पड़ेगा। इस तरह कहकर गांव के एक ब्याज के व्यापारी राम जी के पास जाता है। उस व्यापारी के पास खूबसूरत कुत्ता रहता है। उसे देखकर सरदार कहता है, राम जी सेठ, ये कुत्ता बहुत खूबसूरत है, कहाँ से ले आए? इसका नाम टॉमी है, विदेश से मंगवाया है, बहुत पैसा खर्च किया है। राम जी सेठ, टॉमी को खाने में क्या पसंद है? हाँ हाँ, इसे चाय बहुत पसंद है, चाय की खुशबू आते ही दौड़ा चला आता है। ये तो बहुत अनोखा है राम जी सेठ, थोड़े पैसे कर्ज चाहिए। ठीक है। इतना कहकर सरदार को कुछ पैसे उधार में देता है। फिर वहाँ से निकलकर सरदार थोड़ी दूर जाने के बाद अपने मन में इस तरह सोचता है, इन पैसों से अगर कुत्ते को खरीदा तो फिर से हाथ में एक पुटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। राम जी के कुत्ते को ही चुरा कर सुषमा को गिफ्ट कर दूंगा। इस तरह सोचकर घर चला जाता है। क्यों जी, कुत्ते को क्यों नहीं लाए? माय डियर डार्लिंग, तुम्हारे लिए विदेश से मंगवा रहा हूँ, सुना है बहुत खूबसूरत होता है। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। फिर शाम होते ही सरदार चाय लेकर राम जी के घर के आंगन में जाता है। चाय की खुशबू आते ही कुत्ता बाहर आ जाता है। टॉमी टॉमी, ये रहा तुम्हारा पसंदीदा चाय, अच्छा है ना? अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो इसी तरह स्वादिष्ट चाय पिलाऊंगा। कुत्ते को उठाकर सरदार घर चला जाता है। सुबह उठकर खूबसूरत कुत्ते को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वाओ, ये कुत्ता बहुत खूबसूरत है जी, मुझे बहुत पसंद आया, बताओ कितने में लिया? कितना भी पैसा खर्च कर सकता हूँ डियर, इसे सावधानी से देखभाल करना, कुछ भी हो घर से बाहर निकालना मत और किसी को दिखाना भी मत। ऐसा क्यों डियर? क्योंकि कुत्ते को नजर लग जाएगी, या फिर कोई चोर उठाकर ले गया तो। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, घर में ही रखकर आराम से इसके साथ अपना समय बिताऊंगी। कुछ दिनों के बाद सुषमा अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, टॉमी बहुत अकेला महसूस कर रहा है और मुझे लगता है कि इसे एक साथी चाहिए, इसीलिए आप और एक कुत्ते को लाइए, दोनों मिलकर खेल सकेंगे। ठीक है डियर। फिर सरदार घर से बाहर जाकर इस तरह सोचता है, बाप रे, लगता है मेरी बीवी मुझे कुत्तों का चोर बनाकर ही दम लेगी, अब दूसरे कुत्ते को कहाँ से लाऊं? इतना कहकर सरदार दूसरे गांव जाता है। वहाँ एक घर के आंगन में एक कुत्ते को देख कर उसे बिस्किट डालते रहता है। हाय चुचू, ये लो बिस्किट खाओ, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो बहुत सारी बिस्किट दूंगा। फिर सरदार कुत्ते को लेकर घर चला जाता है। सुषमा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। चुचू तुम तो बहुत खूबसूरत हो, आज से आप दोनों अच्छे दोस्त हो। अरे डार्लिंग, दोनों कुत्ते का अच्छे से ख्याल रखना, मैं ड्यूटी जाकर आता हूँ। इस तरह सरदार बाहर चला जाता है। फिर ब्याज का व्यापारी राम जी पुलिस स्टेशन जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा है, प्लीज ढूंढ के निकालिए। अरे छी छी, दिखाई नहीं दे रहा तो भी पुलिस में कंप्लेन के लिए आ गए, जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, वह साधारण कुत्ता नहीं है, 1 लाख देकर विदेश से मंगवाया था। अच्छा, उसे खाने में क्या पसंद है? टॉमी चाय बहुत पीता है साहब, चाय की खुशबू आते ही दौड़े चला आता है। तो फिर तुम चिंता ना करो,
बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। कुत्ते के साथ साथ उसको चोरी करने वाला भी जरूर मिल जाएगा। ठीक है साहब। फिर राम जी इंस्पेक्टर जैसा कहता है वैसा ही चाय लेकर सारे गांव में घूमते रहता है। इतने में सरदार के घर के सामने आते ही चाय की खुशबू से टॉमी सरदार के घर से बाहर आ जाता है। साथ साथ उसके पीछे सरदार और सुषमा भी बाहर निकल कर आते हैं। अरे ओ सरदार, मेरे टॉमी को ही चुरा लिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। राम जी सेठ प्लीज मुझे माफ कर दो। छी छी, क्या तुम कुत्ते के चोर हो? बड़ी नौकरी करने का विश्वास देकर मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मायके जा रही हूँ। इस तरह कहते ही रहती है। इतने में वहाँ पर इंस्पेक्टर आता है। तुम मायके चली जाना, तुम्हारा पति जेल चला जाएगा। मुझे माफ कर दो साहब, कभी चोरी नहीं करूँगा, मेहनत करके काम करूँगा। इंस्पेक्टर साहब एक बार के लिए छोड़ दीजिए। अरे ओ सरदार, तुम सुधर जाओ, अच्छे आदमी बनो। ठीक है। इतना कहकर इंस्पेक्टर और राम जी वहाँ से चले जाते हैं। सरदार हर दिन मेहनत से काम करके अपनी पत्नी की देखभाल करते रहता है। कुछ पैसे कमाने के बाद एक कुत्ते को खरीद कर अपनी पत्नी को देता है। तब से वे खुशी से अपना जीवन बिताते रहते हैं।